गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जो बात कर रहे थे हमारे लास्ट लेक्चर में डिजाइन ऑफ स्टेज स्ट्रक्चर में, वो हमने देखा था एक टी सेक्शन का एग्जांपल देखा था, जिसमें हम शेप फैक्टर और प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो हमने कंसिडर किया था, एक टी सेक्शन को हम कंसिडर कर रहे थे। और इस टी सेक्शन के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, हमें इसके लिए शेप फैक्टर शेप फैक्टर एंड प्लास्टिक मूवमेंट, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी थी। जिसमें हमें क्या दे रखा था कि हमें इसके साथ साथ एफ वाई की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी 400 MPa। ठीक है, अब इस टी सेक्शन के लिए जो हमें साइजेस दे रखी थी वो दे रखी थी कि विड्थ ऑफ द फ्लेंज दे रखी थी हमें 150 mm, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज दे रखी थी 10 mm, जो टी सेक्शन की थिकनेस है वो दे रखी थी 7 mm, और ओवरऑल थिकनेस ऑफ टी सेक्शन जो दे रखी थी वो दे रखी थी हमें 200 mm। इस तरीके से ये है एक हमारा टी सेक्शन था, और इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक न्यूट्रल एक्सिस पास किया था, कहाँ से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से हमने एक न्यूट्रल एक्सिस पास किया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये थी 190 mm। इस तरीके से ये एक हमारा टी सेक्शन था, जिसमें हमने एक न्यूट्रल एक्सिस इस वेव से और एक न्यूट्रल एक्सिस जो पास आउट किया था वो हमने बात की थी कहाँ से, फ्लेंज से। एक न्यूट्रल एक्सिस हमने यहाँ से पास किया था, और जो न्यूट्रल एक्सिस से दोनों न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस थी ये थी 105 mm। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। और जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था वो था कि हमने इलास्टिक मूवमेंट फाइंड आउट कर लिया था। हमने इलास्टिक स्टेज के अंदर जो हमने कल बात की थी वो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। कल हमने इलास्टिक स्टेज के अंदर वैल्यू फाइंड आउट की थी किसकी, एक तो हमने YE मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर ली थी, ये हमारे पास 52 mm आई थी। उसके अलावा हमने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी किसकी, I की। I को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने I की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये हमने I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, और इसके साथ ही हमने एक वैल्यू और फाइंड आउट कर ली थी, वो क्या थी, इलास्टिक मॉड्यूलस की। हमने फाइंड आउट कर लिया था क्या, हमने इलास्टिक मॉड्यूलस एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, और वो हमारे पास कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास 36। यहां तक हमने कल बात कर ली थी, हमने इलास्टिक स्टेज में इलास्टिक मॉड्यूलस हमने फाइंड आउट कर लिया था। आज जो हम चलेंगे वो हम चलेंगे प्लास्टिक मॉड्यूलस के अंदर, प्लास्टिक स्टेज के अंदर आज हम कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लास्टिक स्टेज के अंदर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू एक तो पुट रख लेनी है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है क्योंकि शेप फैक्टर निकालने के काम में आएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इलास्टिक मॉड्यूलस जो हमारा आया है, जो हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस की जो वैल्यू हमें मिली है उसको हम लिख लेते हैं S इक्वल टू, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, बाकी की आगे की प्रोसेस हम यहाँ से आगे देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लास्टिक स्टेज की। हम बात कर रहे हैं किसकी, बी प्लास्टिक स्टेज की। अगर हम प्लास्टिक स्टेज की बात करें तो हमें क्या निकालना है कि हमें प्लास्टिक सेक्शन में जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है उसको हमें कंसिडर करना है। तो हम क्या लिखेंगे प्लास्टिक स्टेज में कि द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स द सेक्शन इनटू इक्वल एरियाज। और जो अज्यूमिंग प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे अज्यूम करेंगे, फ्लेंज पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज, फ्लेंज में कंसिडर करेंगे जो मैंने ये बना रखा है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर इक्वल एरिया में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, इक्वल एरिया में किस तरीके से डिवाइड करेगा, और ये जो इसकी ओवरऑल डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसको मैं नाम दे देता हूँ YP।
प्लास्टिक के अंदर वाई डेप्थ पे है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, ये होगा 150 × YP, एरिया यही होगा, विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है, इक्वल टू 150 10 − YP, थिकनेस में से घटा देंगे। अभी हमें पता नहीं है, अभी हमने एज्यूम किया है केवल कि यहां पर है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कहां पर है। प्लस जो इसका एरिया वो होगा क्या होगा, 7 × 190, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 150 YP इज इक्वल टू 1500 − 150 YP प्लस, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1330। और यहां से अगर मैं YP की वैल्यू कैलकुलेट करूं, YP की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या आ रही है, 9.43। 9.43 आ रही है, इसका मतलब ये लेस देन है किससे, H से, और H कितना है हमारा 10 mm, मतलब हमारी कंडीशन सही है कि हमने जो न्यूट्रल एक्सिस फाइंड किया है वो हमने इस फ्लेंज के अंदर फाइंड किया है, हमें उसकी डिस्टेंस नहीं पता थी, वो कोई फ्लेंज के अपर सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, 9.43 डिस्टेंस पे है, मतलब 10 के अंदर अंदर है, मतलब हमारा सेक्शन क्या है, ओके है। हमारे पास YP की वैल्यू आ गई कितनी, 9.43। अब हमें क्या निकालना है, सेक्शन मॉडुलस निकालना है जेड, सेक्शन मॉडुलस जेड निकाल लेंगे हम। तो सेक्शन मॉडुलस जेड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस जेड। जेड के लिए हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल इसका मोमेंट ऑफ एरिया ले लेना है। तो वो कैसे आएगा, 150 वो इनटू जो इसकी थिकनेस है, अभी हमने फाइंड आउट की कितनी आई, 9.43 आई जो ओरिजिनल थिकनेस आई, इनटू 9.43 डिवाइड बाय 2, हाफ लेंगे उसका, फिर आगे प्लस 150 × 0.57 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.57, कैसे बचेगा, ओवरऑल डेप्थ कितनी है, 10 − 9.43, तो यहां से हमारे पास कितना बच जाएगा, 0.57, ये वैल्यू नीचे से बच जाएगी हमारे पास। तो यहां से 0.57 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 7 × 190, जो नीचे का वेब का एरिया है वो, इंटू 190 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.57। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी सेक्शन मॉडुलस की, और वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी जेड इज इक्वल टू 133801.84 mm की पावर 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें जेड की वैल्यू मिल जाती है, सॉरी एमएम 4 नहीं आएगी, एमएम की पावर क्यू। अब हमारे पास एस है, इलास्टिक मॉडुलस है, और हमारे पास जेड है। जेड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मॉडुलस। अब अगर हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है और प्लास्टिक मॉडुलस है, तो हम आसानी से प्लास्टिक स्टेज के अंदर एमपी, प्लास्टिक मोमेंट निकाल सकते हैं और शेप फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम प्लास्टिक मोमेंट। पहला जो हम काम करते हैं वो हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर प्लास्टिक मोमेंट। प्लास्टिक मूवमेंट जो हमारा होता है वो होता है एफ वाई इंटू जेड। एफ वाई की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, जो अभी हमने लिखी थी वो कितनी लिखी थी, 400 लिखी थी, इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 133801.84। तो यहां से जो हमारे पास जेड की वैल्यू आएगी, एमपी की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 53.2 किलो न्यूटन, 52 3.2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, प्लास्टिक मोमेंट की वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो हमें निकालनी है वो हमें निकालनी है किसकी, शेप फैक्टर की। शेप फैक्टर बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था शेप फैक्टर बराबर होता है क्या, जेड अपॉन एस, प्लास्टिक मॉडुलस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस। तो प्लास्टिक मॉडुलस की वैल्यू रखेंगे 133801.84 अपॉन सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू रखेंगे 747.50.36। तो यहां से हमारे पास जो शेप फैक्टर की वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी हमारे पास 1.79। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम प्लास्टिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया हमने, और हमने शेप फैक्टर भी फाइंड आउट कर दिया। तो किसी भी टी सेक्शन के लिए हम ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं कि अगर हम सेक्शन मॉडुलस सॉरी इलास्टिक मॉडुलस और प्लास्टिक मॉडुलस दोनों चीजें फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा शेप फैक्टर आएगा। हमें शेप फैक्टर का फॉर्मूला पता है, शेप फैक्टर का फॉर्मूला, तो ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ती है, एफ वाई क्वेश्चन में गिवन होता है और जेड वो यहीं से, तो दोनों चीजें निकाल सकते हैं, प्लास्टिक मोमेंट और शेप फैक्टर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा टी सेक्शन का जो न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट होता है इसी के साथ। आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सीरीज में, वो भी किससे रिलेटेड होगा, प्लास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस, शेप फैक्टर या लोड फैक्टर, इन्हीं पे हमें बात करनी है, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर द बीम शोन फाइंड द कोलैप्स लोड एंड द लोड फैक्टर। अभी हमने शेप फैक्टर और प्लास्टिक मूवमेंट इलास्टिक मूवमेंट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हमारी किसकी, लोड फैक्टर की, कोलैप्स लोड की और लोड फैक्टर की। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द लोड फैक्टर एंड कोलैप्स लोड फॉर द गिवन बीम व्हेन क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर। कोलैप्स लोड और लोड फैक्टर फाइंड आउट करना है बीम विच शेप इज रेक्टेंगुलर, जिसकी शेप हमें दे रखी है कि कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का एक बीम है, उसके लिए आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो क्या लोड फैक्टर और एक कोलैप्स लोड, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। बीम आपको दे देगा इस तरीके से, एक साइड से ये फिक्स है और दूसरी साइड से रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है W, ये W यहां से यहां तक है 5 मीटर और यहां से यहां तक है कितनी, 3 मीटर, और जो इसकी ओवरऑल लेंथ है, मैं ओवरऑल लेंथ भी लिख देता हूँ, ओवरऑल लेंथ है इसकी 8 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट है कोई A और ये पॉइंट है B। इस तरीके से आपको एक बीम दे रखा है और आपको इसके लिए कोलैप्स लोड और लोड फैक्टर निकालना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम, क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे देखते हैं। अगर मैं इसके लिए इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं जो हमने देखा था लोड फैक्टर निकालते टाइम, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहां से ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है और यहां पर कैसा सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब जो यहां पर W लग रहा है, इस W के कारण क्या होगा, W को इसी सिर में लगा देते हैं, यहां पर लग रहा है ये W, ठीक है। तो इसका जो इस तरीके से ये इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा, यहां पर जो होगा ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। यहां पर जो A पॉइंट है ये पॉइंट है B, तो यहां पर जो एंगल होगा वो होगा थीटा A, यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा थीटा बी, और ये जिस एंगल से डिफ्लेक्ट होगा ये होगा थीटा ए प्लस थीटा बी, ठीक है। इस तरीके से हम इस डायग्राम को बना लेंगे, हम इसमें सारे एंगल वगैरह शो कर देंगे कि किस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम बनता है, वो हमने बना लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, हम सबसे पहले दोनों स्टेज में निकालेंगे, प्लास्टिक स्टेज में भी और इलास्टिक स्टेज में भी, हमें WP कोलैप्स लोड भी निकालना है और हमें WE भी निकालना है, ठीक है। इलास्टिक के अंदर भी और प्लास्टिक के अंदर भी हमें दोनों लोड चाहिए, क्योंकि लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार वापस से बता दे रहा हूँ, लोड फैक्टर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था कि लोड फैक्टर को हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, हम लोड फैक्टर को लिखते हैं
कि लोड फैक्टर जो होता है वो होता है क्या, द कोलैप्स लोड अपॉन द इलास्टिक लोड। तो हमें कोलैप्स लोड भी पता करना है और इलास्टिक लोड भी पता करना है, ठीक है, दोनों चीजें हमें पता करनी है इसके लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं प्लास्टिक स्टेज के अंदर, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं प्लास्टिक स्टेज की, हम बात करते हैं प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे डिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक कितना है, 5 है, और यहां से यहां तक कितना है, 3 है। तो मैं अगर डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन मेरा बराबर होगा, डिफ्लेक्शन बराबर 5 थीटा ए के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मैं थीटा बी की बात करूं, अगर मैं थीटा बी की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा डिफ्लेक्शन बाई 3 के, डिफ्लेक्शन बाई 3 के, जो इसकी लेंथ है उसके, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी लेंथ के। तो अगर मैं यहाँ डिफ्लेक्शन की जगह 5 थीटा ए रख दूं तो थीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 थीटा ए डिवाइड बाई 3। तो यहां से थीटा बी और थीटा ए की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मैंने क्या देखा था कि कोलैप्स लोड जब भी हम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक्सटर्नल वर्क बराबर होता है इंटरनल वर्क के। हम क्या लिखते थे कि एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू होता है किसके, इंटरनल वर्क के। ये हमें पता था एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होता है, इंटरनल वर्क के। एक्सटर्नल वर्क जो आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है, थीटा डब्लू पी, ये जो हमारा है ये इसको हम मान लेते हैं कोलैप्स लोड डब्लू पी, इसी के कारण तो कोलैप्स हो रहा है स्ट्रक्चर, डब्लू पी के कारण। तो हम क्या लिखेंगे, डब्लू पी इंटू 5 थीटा ए, डब्लू पी इंटू 5 थीटा ए इज इक्वल टू, इंटरनल वर्क किसके कारण होता है, प्लास्टिक इंज के कारण। तो एम पी प्लास्टिक मूवमेंट इंटू कौन कौन से एंगल पे होगा, थीटा ए प्लस बी और थीटा ए, तो थीटा ए प्लस थीटा ए प्लस थीटा बी, इनके कारण होगा, ठीक है, इंटरनल हिंज का जो फॉर्मेशन होगा। तो यहां से ये तो एज इट इज रह जाएगा, डब्ल्यू पी इंटू 5 थीटा ए इक्वल टू एम पी इंटू थीटा ए, 2 थीटा ए हो जाएगा, प्लस थीटा बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 5 थीटा ए डिवाइड बाई 3, ये लिख दूंगा। तो यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं डब्ल्यू पी की, कोलैप्स लोड की किसकी टर्म में, एम पी की टर्म में, तो वो वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी डब्ल्यू पी इक्वल टू, इन सबको सॉल्व कर लेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.733, 0.733 एम पी, ये इस टर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, डब्ल्यू पी की। और इस डब्ल्यू पी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलैप्स लोड। ये कोलैप्स लोड की वैल्यू हमारे पास आ गई किसके अंदर, या हम इस डब्ल्यू पी को क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्लास्टिक लोड भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक लोड और इलास्टिक लोड, ठीक है, या तो कोलैप्स लोड बोल दो या इसको बोल दो क्या, प्लास्टिक लोड, ठीक है। अब देखो आगे, ये हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, डब्ल्यू पी की, प्लास्टिक लोड की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे इलास्टिक स्टेज के अंदर, तो इलास्टिक स्टेज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमें मूवमेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ये था डब्ल्यू पी, इसको मिटा देते हैं प्लास्टिक स्टेज को, अब हम चलते हैं इलास्टिक के अंदर। तो यहां लिख देता हूं मैं एक बार दोबारा, जो मेरे पास प्लास्टिक लोड आया है उसको मैं यहां लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं हमारे पास प्लास्टिक लोड जो आया है वो हमारे पास आया है डब्ल्यू पी इक्वल टू 0.733 एम पी, ये हमारे पास वैल्यू आई है डब्ल्यू पी की। अब हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, इलास्टिक स्टेज के अंदर, सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, इलास्टिक स्टेज की हम बात कर रहे हैं। इलास्टिक स्टेज की बात करते हैं तो इस बीम को अब मैं जो ड्रॉ करूंगा वो किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, देखिए कि ये मेरे पास बीम था, कैंटिलीवर बीम था मेरे पास, यहाँ पे एक ये रोलर सपोर्ट था। अगर मैं इसमें मूवमेंट की बात करूं, यहाँ पर कोई लोड लग रहा है ये W, मैं मान लूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये A है
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये बी है, तो यहां पर एक मूवमेंट लगेगा और इस मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एम ई जो ये मूवमेंट होगा इलास्टिक मूवमेंट, इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं डब्ल्यू अपॉन एल स्क्वायर, और ये जो टोटल लेंथ है ये क्या है हमारी, ये एल, ठीक है। तो डब्ल्यू अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर बाई टू, इस तरीके से शो करेंगे हम मूवमेंट को। तो यहां से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सबकी, और मैं अगर यहां से W की वैल्यू निकालूं, इस W की अगर मैं इस W के लिए फॉर्मूला लिखूं डब्ल्यू ई, इसको मैं बोल देता हूं डब्ल्यू ई, तो ये क्या हो जाएगा एम ई इंटू एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा। यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं एम ई की जगह, तो एम ई रहने देते हैं इंटू एल की जगह आठ का स्क्वायर डिवाइड बाई एल, टोटल एट है हमारी, हमें पता है टोटल कितनी है एल एट है। अब यहां पर बाकी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है तीन, इसको मैं बोल दे रहा हूं ये तो है मेरी बी और ये है मेरी ए, तो यहां से अगर पुट करेंगे तो क्या करेंगे तीन का स्क्वायर इंटू पांच प्लस और बाकी ए तीन इंटू पांच का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे सारी। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं डब्ल्यू ई की वैल्यू, अगर मैं इलास्टिक लोड की वैल्यू कैलकुलेट करूं डब्ल्यू ई की वैल्यू, तो वो मेरे पास जो आ जाएगी एम ई के टर्म्स में वो आ जाएगी 0.77576, 0.77576 एम ई, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू ई की वैल्यू आ जाएगी एम ई की टर्म्स में, और यहाँ मेरे पास डब्ल्यू पी की वैल्यू थी एम पी की टर्म्स में। तो मैं यहाँ पर लोड फैक्टर बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ देखो, अगर मेरे पास प्लास्टिक लोड आ गया और ये मुझे पता है ये मेरा जो आया है ये क्या है, ये मेरा इलास्टिक लोड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इलास्टिक लोड है, ठीक है। तो अब जो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है, लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू ई, डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू ई, तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे डब्ल्यू पी की वैल्यू क्या है 0.7333 एम पी अपॉन डब्ल्यू ई की वैल्यू क्या है 0.77576 एम ई। तो देखो ये एम पी अपॉन एम ई है, ये क्या होता है शेप फैक्टर, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ये होता है हमारा शेप फैक्टर, और हम जानते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है शेप फैक्टर की वैल्यू रेक्टेंगुलर के लिए, तो हम यहां लिख देंगे क्या, चूंकि एम पी अपॉन एम ई जो शेप फैक्टर है वो रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है 1.5 होती है, तो हमें क्या करना है इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो अब हमारा लोड फैक्टर आएगा, जो हमारा लोड फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा 0.7333, 0.7333 अपॉन 0.77576 इंटू 1.5। तो यहां से जो हमारा लोड फैक्टर आएगा वो हमारा आएगा 0.9453 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो यहां से जो फाइनल वैल्यू आएगी किसकी, लोड फैक्टर की, वो आएगी 1.418, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसकी, लोड फैक्टर की। हमें यही तो निकालना था, हमें क्या निकालना था इसके अंदर, एक तो लोड फैक्टर निकालना था और क्या निकालना था, कोलैप्स लोड निकालना था। तो वो जो डब्ल्यू पी था ये क्या होता है, इसको भी मैंने बोला था कि या तो इसको प्लास्टिक लोड लिख दो या इसी को क्या बोलते हैं कोलैप्स लोड। तो आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, कोलैप्स लोड फाइंड आउट कर लिया और लोड फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किसी भी फिक्स्ड फिक्स सपोर्ट पे और रोलर सपोर्ट पे अगर कोई बीम है और उसका स्पान दे रखा है और पॉइंट लोड दे रखा है, तो हम कैसे उसके लिए लोड फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो हम दोनों तरफ से सिंपली सपोर्टेड, दोनों तरफ से फिक्स बीम हो उसके लिए देखेंगे,
और एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोड फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू सो मच।